इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे प्रमुख पुरस्कार यानी कि स्टार्टिंग ईयर, प्रमुख पुरस्कार का स्टार्टिंग ईयर कब से है, यानी कि कौन सा पुरस्कार जो है वो कब से दिए जाने लगा, जो आपके हर एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, नोबल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है 1901, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1991 और ऑप्शन डी है 1952। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1901। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। इसका कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं। तो नोट पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार 6 प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है वो भी जान लेते हैं। तो फर्स्ट है चिकित्सा, सेकेंड है शांति, थर्ड है भौतिक, और फोर्थ है रसायन, और फाइव है साहित्य, और सिक्स है अर्थशास्त्र। ठीक है, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिए जाने लगा, तो 1901 ईस्वी से दिए जाने लगा नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 16 मई 1929, ऑप्शन बी है 29 मई 1949, ऑप्शन सी है 4 मई 1959, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है, 4 मई 1959 ईस्वी को ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नोट पॉइंट है, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी है 1959, और ऑप्शन सी है 1961, और ऑप्शन डी है 1958। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है, 1969। 1969 से मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। और नोट पॉइंट में है, मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? देखिए ऑस्कर पुरस्कार जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1928, और ऑप्शन सी है 1958, और ऑप्शन डी है 1901। कब से दिए जाने लगा ऑस्कर पुरस्कार, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 1929 से दिए जाने लगा। कब से, 1929 से। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है वो कब से दिए जाने लगा, तो 1929 से दिए जाने लगा। अब इसका नोट पॉइंट बता देते हैं कि ये जो है वो फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी है 1958, और ऑप्शन सी है 1902, और ऑप्शन डी है 1968। तो देखिए यहाँ पे मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो 1958 से दिए जाने लगा। ठीक है, अब इसका किस चीज़ में दिया जाता है, तो राजकीय वन क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार राजकीय और वन क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1956, और ऑप्शन सी है 1958, और ऑप्शन डी है 1969। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो सही है, 1952। देखिए 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नोट पॉइंट में हम आपको बता देते हैं कि कलिंग जो पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? मिस वर्ल्ड जो है वो पुरस्कार कब से शुरुआत किया गया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी है 1952, और ऑप्शन सी है 1952, और ऑप्शन डी है 1938। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। किस चीज़ का दिया जाता है, तो मिस वर्ल्ड जो है वो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी है 1952, और ऑप्शन सी है 1958, और ऑप्शन डी है 1938। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जो है वो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो ये भी जो है वो 1951 में ही शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1953 और ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1958। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1953 में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। ये किस चीज़ में दिया जाता है? ठीक है, तो असाधारण उपलब्धियों प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार जो है वो असाधारण उपलब्धियों प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कब से दिए जाने लगा? तो 1953 से दिए जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1965 और ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी 1968। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1965 से। ठीक है, 1965 से किया गया है। अब किस चीज़ में किया गया है वो भी बता देते हैं। तो प्रसिद्ध साहित्यकारी को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्रसिद्ध साहित्यकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ है वो कब से हुआ है? तो ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी है 1961 और ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1968। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? तो 1961 से किया गया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से किया गया है। और इसका जो नोट पॉइंट है वो बता देते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1965 और ऑप्शन सी है 1961 और ऑप्शन डी है 1972। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और नोट पॉइंट में है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है। किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो खेल प्रशिक्षण को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब पालके पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? दादा साहेब पालके पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1985, ऑप्शन बी है 1978 और ऑप्शन सी है 1969 और ऑप्शन डी है 1981। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, 1969। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, 1969। ये नोट पॉइंट बता देते हैं कि ये जो है दादा साहेब पालके पुरस्कार वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी है 1957 और ऑप्शन सी है 1969 और ऑप्शन डी है 1981। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1957। देखिए, भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1957 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्रों में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पे कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1985 और ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1975। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। नोट पॉइंट में है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।